brought to you by Techno Spark 20 series smartphones. I'm superhuman. ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी की मौत हेलीकॉप्टर क्रैश होने की वजह से हुई, लेकिन इस हादसे के पीछे किसी साजिश की आशंका भी हो सकती है। चीन, जो कि ईरान का बेहद करीबी माना जाता है, उसके मुताबिक ईरानी राष्ट्रपति के साथ हुए हादसे का कारण निर्धारित करना कठिन है। चीन को इस बात का शक है कि भले ही हेलीकॉप्टर हादसे में मौसम की स्थिति की बात हो रही, लेकिन पश्चिम और इसराइल के साथ ईरान के टकराव को देखते हुए ये दुर्घटना अजीब लगती है। दरअसल ईरान का विवाद इस वक्त अमेरिका और इसराइल दोनों से ही चरम पर पहुंच चुका है। ऐसे में रईसी की मौत पर कुछ देश काफी हैरान है। चीन भी उन्हीं देशों में से एक है। ग्लोबल टाइम्स में छपी एक खबर के मुताबिक शंघाई इंटरनेशनल स्टडीज यूनिवर्सिटी के मिडिल ईस्ट स्टडीज इंस्टीट्यूट के प्रोफेसर लियो जोंगमिन ने कहा है, फिलहाल ईरानी राष्ट्रपति के साथ हुए हादसे का कारण निर्धारित करना कठिन है, क्योंकि पहली नजर में घना कोहरा इसकी सीधी वजह लगता है, लेकिन ईरान मौजूदा वक्त में कई कठिन परिस्थितियों का सामना कर रहा है। इसराइल के साथ उसका संघर्ष और ईरानी परमाणु वैज्ञानिक मोहसिन फकरीजादे की हत्या को देखते हुए इस घटना ने किसी साजिश के संदेह की गुंजाइश भी छोड़ दी है। हालांकि प्रोफेसर लियो जोंगमिन इतने पर ही नहीं रुके। ग्लोबल टाइम्स से बात करते हुए उन्होंने कहा कि मौसम की स्थिति खराब थी, लेकिन पश्चिम और इसराइल के साथ ईरान के टकराव को देखते हुए ये दुर्घटना अजीब लगती है। बीते कुछ समय में लगातार सुरक्षा घटनाओं से जूझ रहे ईरान के साथ यह दुर्घटना हुई। हालांकि इसका ये मतलब नहीं निकाला जा सकता है कि इसके पीछे ईरान के दुश्मनों का हाथ है। चीन के विशेषज्ञ रईसी की मौत को बस एक हादसे के तौर पर नहीं देख रहे। चीन को इस बात का शक है कि भले ही हेलीकॉप्टर हादसे में मौसम की स्थिति की बात हो रही, लेकिन पश्चिम और इसराइल के साथ ईरान के टकराव को अनदेखा नहीं किया जा सकता। लेकिन आपको बता दें, रईसी की जिस हेलीकॉप्टर के क्रैश होने से मौत हुई, हैरानी वाली बात है, लेकिन वो और उनके साथी अमेरिकन मेड बेल 212 हेलीकॉप्टर पर सवार थी। उनके साथ इस हेलीकॉप्टर में ईरान के विदेश मंत्री और अन्य अधिकारी भी मौजूद थे, लेकिन खराब मौसम के कारण ये हादसा हुआ और कोई भी नहीं बच सका। रईसी की मौत को लेकर आपको क्या लगता है, ये सिर्फ एक हादसा है या फिर इसके पीछे कोई साजिश भी हो सकती है? कमेंट करके जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।